अब बात करेंगे कोटद्वार की, जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय, होम्योपैथिक, दिव्यांग कल्याण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। वहीं बीजेपी नेता गौरव जोशी ने बताया है कि कैंप का आयोजन स्पीकर रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में दूसरी बार किया जा रहा है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता लोगों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि लोगों की हर छोटी बड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से दूर कराया जा रहा है और भविष्य में भी इसी तरह शिविरों का आयोजन जारी रखा जाएगा। कोटद्वार से राजेंद्र खंतबाल की रिपोर्ट। यहाँ पर कोटद्वार में आज बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि लोगों को छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं समाज कल्याण विभाग से रहती हैं, या जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें सर्टिफिकेट विकलांगता का नहीं मिलने से रहती है, तो इस कारण से ये बहुउद्देशीय शिविर लगा है। वैसे यहाँ पर सर हर डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी जी द्वारा आज ये बहुउद्देशीय शिविर, जो समाज कल्याण और विभागीय लोगों के रूप में दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट बनाने का कार्य कर रहे हैं, दिव्यांगजनों के जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने हैं पूरे उनको बनाने का कार्य पूरा किया जा रहा है, और दिव्यांगजनों की जो समस्या है उनको वही पूरे सुना जा रहा है। सभी विभागीय अधिकारी, डीएफओ सर, अपने विभाग के अन्य अधिकारी भी आज पूरी समस्या का संज्ञान ले रहे हैं।